आइए ताई साहब, वेलकम टू लाइफ। ये लाइट कर बंद, ये लाइट कर बंद। आइए आइए प्लीज, आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। मैंने 2019 मार्च में खामोश प्लीज सियासत में तब्दीली की थी, लेकिन 5 अगस्त 2019 के बाद में रियासत की जो सियासत है वो बिल्कुल बदल चुकी है। सिर्फ दो ग्रुप बन चुके हैं, एक को सपोर्ट करते हैं और एक दूसरा ग्रुप है जो स्टोर किया जाए। जहां तक मेरा ताल्लुक है, मैंने पहले दिया है और हम समझते हैं कि जो उस दिन हुआ बदल गया। हमने ये भी देखा कि 5 अगस्त के बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमसे छीना गया, जो हमारा फ्लैग हमसे छीना गया। दूसरी जानिब हमने ये भी देखा अगर कश्मीरियों के इस दर्द होने का फैसला, मैं तहे दिल से इनका शुक्रिया अदा करता हूं और इनको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि उन्होंने आज सही फैसला किया और सही वक्त पर किया। तो मुझे उम्मीद है कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, जो हमारी पॉलिटिक पार्टी है और हमारी प्रेसिडेंट महबूबा मुफ्ती साहिबा हैं, ये लोन साहब और हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहब और बाकी जो हमारे स्पोक्स पर्सन बेम बाकी ऐसे अहदेदार, आज मैं इकबाल साहब का अपनी पार्टी में खुशामदीद कहना चाहती हूँ। पढ़े लिखे नौजवानों की हमें ज़रूरत है, हमारी जमात को ज़रूरत है, ख़ासकर इस वक्त जबकि जम्मू कश्मीर के हालात बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। ऐसे में ऐसे लोग जिनको सूझबूझ हो, समझ हो, और इस वक्त हमारे कारवान में शामिल होना कोई आसान बात नहीं है। PDP में इस वक्त शामिल होना बड़ा मुश्किल है, बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ऐसे में इन्होंने जो फैसला किया हमारी इस जमात को ज्वाइन करने का, मुझे इसकी खुशी है और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये तन मन धन से, जैसे ये पहले भी अपनी दूसरी जमात में काम कर रहे थे, उससे ज़्यादा जो है हमारी जमात में आके काम करेंगे, क्योंकि इसको ज़रूरत है। जैसे उन्होंने खुद कहा, हमारा तशख्स, हमारा वजूद सब कुछ दाव पे लगा हुआ है। और ये 370 और 35 ए की बात नहीं है, जम्मू कश्मीर के मसले की बात है, क्योंकि हमें गोल पोस्ट चेंज हो रहा है कि अब जी लोग करेंगे मसला भूल जाएंगे, 370 करेंगे। हम 370 करने वालों में से नहीं है। 370 वापस आना एक हकीकत है, आज कल परसों, मगर उसके साथ साथ जो जम्मू कश्मीर में इतनी सारी कुर्बानियां हुई हैं, इतने सारे लोगों ने अपनी जान अजीज कुर्बान की है मसले कश्मीर हल करने के लिए, उसके लिए PDP की जदोजहद हमेशा कायम दायम रहेगी और उसमें मुझे उम्मीद है इकबाल साहब अपना रोल अदा करेंगे। आपके साथ जो लोग आए हैं, जहाँ से भी आए हैं, मैं उनका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ आप आए। थोड़ी देर हो गई, कुछ कन्फ्यूजन हो गया था क्योंकि हमें कहीं और भी जाना था, तो अच्छा है आप आए और इंशाल्लाह वक्त आने पे आपको हम कोई जिम्मेवारी भी देंगे जिसको आप निभाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप सभी हजरात का मेरा ये मानना है, जवाहरलाल नेहरू की वजह से जम्मू कश्मीर, उसके सेकुलरिज्म की वजह से, उसकी डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की वजह से, और जो बाकी लीडर उनके साथ थे, चाहे गांधी जी थे, चाहे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, चाहे अंबेडकर साहब थे, चाहे सरदार पटेल थे, तो जवाहरलाल नेहरू वॉज द मेन पर्सन जिसकी वजह से जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा बना। अगर जवाहरलाल नेहरू नहीं होते, अगर उनका जम्मू कश्मीर के साथ जो रिश्ता है अगर वो रिश्ता नहीं होता, अगर शेख साहब और जवाहरलाल नेहरू के आपस में इतने गहरे ताल्लुकात नहीं होते, अगर जवाहरलाल नेहरू के कश्मीरियों के साथ इतना लगाव नहीं होता, तो मुझे नहीं लगता है कि जम्मू कश्मीर इस मुल्क का हिस्सा होता। ख़ासकर जो आज की सरकार हिंदुस्तान में है, अगर वो सरकार उस वक्त 1947 में होती तो जम्मू कश्मीर कतन कतन मजहब की बुनियादों को दरकिनार करके हिंदुस्तान का, इस हिंदुस्तान का जिसको ये बनाना चाहते हैं, जहाँ सेकुलरिज्म ख़त्म हो रहा है, डेमोक्रेसी ख़त्म हो रही है, इस सो कॉल्ड, मैं इसको हिंदुत्व भी नहीं कहूँगी, मुझे नहीं मालूम ये क्या क्या चीज़ है, तो शायद इसका हिस्सा नहीं बनते अगर जवाहरलाल नेहरू नहीं होते। ये मैं दुबांगे दोहल कहना चाहती हूँ कि जवाहरलाल नेहरू नहीं होते तो जम्मू कश्मीर इस मुल्क का हिस्सा कभी नहीं हो सकता था। थैंक यू सो मच। वो गरीब बात है, हमारे स्टेट की सबसे ज़्यादा बिजली जाती है, जो हमारा जो NHPC का पूल है उसमें जाती है,
पूरे मुल्क की बिजली पूरे मुल्क के कारखाने चलते हैं और उसी के बलबोते पे चाहे बीजेपी हो चाहे दूसरी जमातें हो वो दूसरे स्टेट्स में ऐलान करती हैं हम मुफ्त बिजली देंगे। तो जो स्टेट इस बिजली को पैदा करता है उसी स्टेट को आप कहते हैं हीटर मत चलाओ बिजली मत चलाओ। तो इससे बुरी बात इससे बड़ा सुतेलापन और क्या दिखा सकती है बीजेपी हमारे साथ इस रियासत के साथ। ये बिल्कुल गलत है। बजाय इसके कि हमें वो मुफ्त बिजली दे हमें कंपनसेट करे इंडस वाटर ट्रीटमेंट के लिए हमारे लोगों को बोलती आप अंधेरे में रहो हीटर मत जलाओ और वो भी इतनी ठंड में। ये तो शर्म की बात है उनके लिए जिन्होंने ये फैसला किया। सवाल का जवाब दे रहे हो तो मैं क्या बोलूं पॉलिटिकल लीडर्स की बात कर रहा हूं। नहीं मैंने आपने खुद ही अपने सवाल का जवाब दिया कि जब लोग इकट्ठे हो जाएंगे जब लोग किसी चीज के लिए इरादा करेंगे तो पूरा अंग्रेजों से ताकतवर तो कोई नहीं था। जब हिंदुस्तान के लोग इकट्ठे हो गए जब हम सब इकट्ठे हो गए तो अंग्रेजों को भगा दिया। तो अगर जम्मू कश्मीर के लोग इकट्ठे हो जाएंगे ये कौन सी बड़ी बात है 370 न सिर्फ 370 बल्कि उससे भी ज्यादा कुछ हम हासिल कर सकते हैं और इंशाल्लाह करके रहेंगे। थैंक यू। इकबाल साहब आगे बढ़ो। चलो मिनी मिनी कांग्रेचुलेशन। जैसे मैंने अंदर करने से मुझे लगता है कोई फायदा नहीं होने वाला है। हमें यूनाइटेडली इकट्ठे मिलकर काम करना है और तभी जाके जो लोगों के साथ नाइंसाफी हुई है जो लोगों की डिग्निटी को छीना गया है जो लोगों के साथ इनजस्टिस किया गया 2019 में तभी वो हो सकता है वो रेस्टोर हो।